नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मधेश। अलीनगर स्थित मुगलसराय हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार जायसवाल के 32 वर्षीय पुत्र शुभम जायसवाल की विगत दिनों महाराष्ट्र के वर्धा जिले के सेलसुरा के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। वह वर्धा के ही सांगवी मेघे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का छात्र था। जानकारी होते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई थी। देर रात सभी वापस लौट रहे थे। रात तकरीबन 11:30 बजे सेलसुरा के पास अनियंत्रित कार नदी के पुल को तोड़ती हुई गहरी खाई में गिर पड़ी। भीषण दुर्घटना में सभी 7 छात्रों की मौत हो गई। पुत्र शुभम भी शामिल था। शुभम 3 भाइयों में सबसे छोटा था। इसी कड़ी में आज दिन सोमवार को अलीनगर स्थित राम जानकी मंदिर में देश के साथ साथ होनहार डॉक्टरों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पूर्वांचल वैश्य फाउंडेशन द्वारा किया गया। श्रद्धांजलि सभा में जिले के सम्मानित डॉक्टर व क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित होकर शोक सभा का संवेदना व्यक्त की और गरीब महिलाओं को कंबल भी वितरित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राजकुमार गुप्ता, चंदन जायसवाल, डॉक्टर अनिल यादव, राजेश योगी, रमेश जायसवाल, डॉक्टर कृष्णानंद पांडे, चंदेश्वर जायसवाल, वर्धा मदार के पिता संतोष गुप्ता, डॉक्टर जीके पांडे, सतीश चौहान, अमित यादव, संतोष जायसवाल, किसान नेता केदार यादव, आजाद यादव, विनय वर्मा, शंकर सभासर, डॉक्टर डीके मिश्रा, डॉक्टर संजय सिंह, विजय जायसवाल लोग उपस्थित रहे।